किया था। येस्टरडे वी स्टार्टेड विद दिस लाइफ साइकिल ऑफ द एंजियोस्पर्म्स, राइट? एंड देयर वी हैव स्टडीड दैट दिस इज अ स्पोरोफाइट, दिस इज अ मेन प्लांट बॉडी एंड दैट इज अ स्पोरोफाइट। सो बीइंग अ स्पोरोफाइट, व्हाट इज इट्स प्लॉयडी? इट इज 2m, है ना? ये कल हमने पढ़ा। प्लस साथ में हमने किया कि आगे इसके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है वो भी सारे क्या हैं, दे आर ऑल्सो 2m। जैसे यहाँ हमने अनडिफरेंशिएटेड मास शो किया है, एंथर्स के बीच में मैंने फर्स्ट स्टेज शो किया ना, एज इन द फॉर्म ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू डिफरेंशिएट होने के बाद माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाता है, फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस करके टेट्राड बनाएगा और फाइनली पॉलन ग्रेन बनाएगा, है ना? ये कल हम डिस्कस कर चुके हैं। पॉलन ग्रेन में भी आई टोल्ड यू दैट फॉर द पॉलन ग्रेन इवन देयर इज द न्यूक्लियस डिविजन्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पॉलन ग्रेन। फर्स्ट इनिशियली देयर वॉज वन न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस डिवाइड किया, दो बन गए, दो में एक साइलेंट रहेगा, फिर दूसरे वाले ने डिवीजन दिया एंड फॉर्मिंग द टू ऑफ द मेल गेमीट्स। सो दीज टू आर व्हाट? दीज टू आर द मेल गेमीट्स, ठीक है? टिल दिस वी हैव स्टडीड इट यस्टरडे। नाउ फर्दर कंटिन्यूइंग फ्रॉम दिस पोर्शन, दैट इज द सेल, दिस इज अगेन एन अनडिफरेंशिएटेड सेल, है ना? अभी तक इसमें डिफरेंशिएशन नहीं हुआ। दिस इज अ मास ऑफ सेल, जो ओव्यूल के बीच में कोई एक सेल है, विच इज फर्दर गोइंग टू टेक प्लेस एंड फॉर्म द मियोसिस। इट इज द सेल डिविजन्स विल बी टेकिंग प्लेस इन दिस, दिस विल गेट डिफरेंशिएटेड। जैसे ये स्पोरोजिनस टिश्यू है, इसने डिफरेंशिएट हुआ, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाया। अब यहाँ कोई सेल है, उसने डिफरेंशिएशन होकर ये मेगास्पोर मदर सेल बनाना, ठीक है? सो नाउ दिस सेल, दिस ओनली सेल इज नाउ एक्टिंग एज अ मेगास्पोर मदर सेल। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज MMC। जैसे इसको हम MMC बोलते हैं, ऐसे इसको भी MMC बोलते हैं, ठीक है? एंड जैसा ये 2N है, वैसा ही ये भी 2N है। ये दोनों 2N structures हैं। समझ आ रहा है? समझ आया? ओव्यूल रीजन में कोई एक सेल है, पहले वो डिफरेंशिएट हो जाएगा क्योंकि उसको ओव्यूल बनाना है, उसको अंदर वाले जो एम्बियो सैक है वो बनाना है, अंदर वाले सेल्स बनाने, ठीक है? उसके लिए दिस गेट्स डिफरेंशिएटेड एंड नाउ इट इज कॉल्ड एज अ मेगास्पोर मदर सेल। इन सारे सेल्स में से कोई एक सेल जो बाद में डिवीजन देगा और मेगास्पोर्स बनाएगा, जैसे यहाँ पे बनाया है पॉलन टेट्राड। पॉलन टेट्राड को माइक्रोस्पोर टेट्राड भी बोलते हैं, माइक्रोस्पोर बन जाता है यहाँ पे, ठीक है? ऐसे ही अब यहाँ पे क्या हुआ, दिस अंडरगोज द मियोसिस फर्दर एंड आफ्टर मियोसिस व्हाट इज द रिजल्टेंट? मियोसिस हुआ किसमें? मेगास्पोर मदर सेल में। 2N स्ट्रक्चर है तो ये 2N स्ट्रक्चर बाद में क्या बनाएगा, ये भी टेट्राड बनाएगा इसके जैसा, ठीक है? सेम टू सेम, जैसे इसका MMC ने टेट्राड बनाया, ऐसे इसका MMC भी टेट्राड बनाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो टेट्राड बनता है, दैट इज इन अ लीनियर फैशन, दिस इज इन अ लीनियर फॉर्म। सो दिस इज द फोर सेल्स, दे आर अरेंज्ड लीनियरली, ठीक है? सो दीज आर ऑल द मेगास्पोर टेट्राड, दिस इज अ मेगास्पोर टेट्राड। Now for its germination or after its development when it takes place, there is only one which is going to be functional and the other three gets degenerated. ठीक है, चार बने हैं ना? अभी यहाँ पे देखो comparisons में साथ साथ बता रही हूँ आपको। Pollen tetrad में क्या है, चारों के चार pollen grain की तरह act कर रहे हैं। मैंने यहाँ नहीं ना बोला कि degenerate हो जाएंगे, पर यहाँ पे ये concept आता है most of the common in the angiosperms। तीन डीजनरेट हो जाते हैं, एक सिर्फ फंक्शनल बच जाता है, ठीक है? तीन डीजनरेट हो जाए ज्यादा से, मतलब ज्यादा प्लांट्स में ऐसा होता है, बट अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि चारों भी जर्मिनेट कर जाएं, ऐसा भी पॉसिबल है। दो कर जाएं, दो ना करें, तीन कर लें, एक ना करें, ऐसा सब कुछ पॉसिबल है, बट मोस्ट कॉमन इज द डेवलपमेंट, दैट इज वी कॉल इट एज अ मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, मीन्स वन आउट ऑफ द फोर स्पोर्स विल बी डेवलपिंग, ओके? क्लियर? सो अब जब यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ तो हमने क्या बोला, एक फंक्शनल बन गया, ये एक फंक्शनल बन गया, ठीक है? और बाकी के तीनों डीजनरेट हो गए। ये देखो, ये तीनों डीजनरेट हो गए, एक फंक्शनल आ गया, ठीक है? सो दिस इज वन फंक्शनल एंड दीज थ्री आर डीजनरेटिंग मेगास्पोर्स। तो बनाओ इसको, बट आई टोल्ड यू टू मेक इट लाइक दिस ऑन अ लैंडस्केप, ठीक है? लैंडस्केप स्ट्रक्चर में बनाना है, तो उसके लिए पूरा एक्सपैंड करके पूरे पेज को भर देना,
ठीक है, ये नहीं है कि वहीं पे एक सर्कल में, छोटे से सर्कल में ही आप कंप्लीट कर दो इसको, तो हॉचपॉच हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज द वन विच हैज नाउ बिकेम फंक्शनल. सो दिस इज फंक्शनल मेगा स्पोर, दिस इज अ फंक्शनल मेगा स्पोर, एंड द अबव थ्री, वो मेगा स्पोर टेट्राहेड है, वो भी लिख दो. अबव थ्री, ये तीनों, ये क्या है, दीज आर degenerating megaspores, degenerating megaspores. This kind of the development is called as monosporic development. This is termed as monosporic development. Got it? This was a megaspore tetrad. Megaspore tetrad. Got it? This functional megaspore now undergoes three times mitosis division. तीन mitosis seldom, मतलब तीन mitosis साथ साथ होती हैं, simultaneously होती हैं. अब वो कैसे होती हैं? इसको हम continue करते हैं. अभी यहाँ पे ये आप सिर्फ megaspore वाला concept देखो, ये megaspore वाला. ठीक है, megaspore में अब तीन बार mitosis होगा. This is three times, arrow पे लिख दो, three times mitosis. तीन बार माइटोसिस अंडरगो करेगी ये. अब पहले देख लो फिर ड्रॉ करना. जो तीन बार माइटोसिस अंडरगो करा उसमें स्ट्रक्चर कैसा बना? ये है फंक्शनल मेगास्पोर, ये वाला है ना, इसने एम्ब्रियो सैक में क्या किया, तीन माइटोसिस किया. ये एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस से कितने बन गए, दो. फर्स्ट माइटोसिस डन, सेकेंड माइटोसिस दोनों कट जाएंगे, एक एक और बना देंगे अपनी अपनी कॉपी. फोर, साइटोप्लाज्म इज देयर ओनली, वो भी बना देंगे, नहीं भी बनाओ तो अंडरस्टूड ही होता है वैसे. साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं, अभी नहीं हो रही, थ्री माइटोसिस इकट्ठी हो रही है और साइटोप्लाज्मिक यहाँ नहीं है. दैट इज, इट इज एन एम्ब्रियो सैक विच इज हैविंग द सेवन सेल्स एंड एट न्यूक्लियर. ये एक ही सेल के अंदर है, एक ही सैक के अंदर ये सारे न्यूक्लियस है. ठीक है, सेल्स अभी हम बाद में बनाते हैं, मतलब बनेंगे साइटोकाइनेसिस, पर पहले डिवीजन होगी, तीनों माइटोसिस होने के बाद एंड में होगी. तभी मैंने कहा ना, दिस अंडरगोज द साइमल्टेनियस थ्री माइटोटिक डिविजन्स. अभी नहीं करना, अभी साइटोकाइनेसिस नहीं करना. ठीक है, यहाँ पे भी साइटोप्लाज्म शो करते रहना साथ साथ में, जस्ट क्योंकि आप लोग न्यूक्लियस के ऊपर फोकस करो, इसलिए मैंने साइटोप्लाज्म नहीं बनाए. ठीक है, सो दिस इज साइटो, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शन मेगास्पोर. पहला डिविजन हुआ तो दो न्यूक्लियस बने. ठीक है, सेकेंड डिविजन हुआ तो दोनों ने एक एक और बना दिया. थर्ड माइटोसिस होगा तो चारों एक एक और बनाएंगे. टोटल कितने हो जाएंगे, आठ, है ना. इन्होंने एक एक और बना दिया, दिस इज फोर आउट हेयर, दिस इज अगेन फोर आउट हेयर, ऑन द टू साइड्स देयर आर फोर एंड फोर बन गए. ये चारों में से एक एक सेंटर में चला जाएगा, दैट मूव्स टुवर्ड्स द सेंटर एंड गेट्स पैक्ड. जब साइटोकाइनेसिस होगी तो ये दो न्यूक्लियाई एक ही वॉल में पैक हो जाएंगे, एक ही मेम्ब्रेन, एक ही इसके अराउंड बन जाएगी, दैट इज दो न्यूक्लियस के अराउंड. बाकी सबको अपनी अपनी मेम्ब्रेन मिलेगी, लेकिन इन दोनों को इकट्ठे एक मिलेगी, एज इट इज डिसाइडेड बाय द नेचर. ठीक है, दैट इज वाई वी कॉल दिस स्ट्रक्चर एज द सेवन सेल्ड एंड एट न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर. सात सेल होंगे ना, तीन ये छह, और सेवेंथ सेल बीच वाला जिसमें दो न्यूक्लियस है. क्लियर? ठीक है, सो द फाइनल, दिस इज एन एम्ब्रियो सैक के अंदर का स्ट्रक्चर है. नाउ द फाइनल स्ट्रक्चर आफ्टर दिस विल बी, ये जो आप फाइनल स्ट्रक्चर बनाएंगे अलॉन्ग विद द पॉलन ट्यूब भी हमने शो करना है फर्टिलाइजेशन, तो नीचे बना दो इसको. सो दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर नाउ, दिस इज द एम्ब्रियो सैक, द एम्ब्रियो सैक, एंड विद इन द एम्ब्रियो सैक देयर इज द सेवन सेल्स. दिस इज द एग सेल, सबसे बड़ा. ठीक है, सपोर्टेड बाय द टू सिनर्जिड्स on one side, three same sized cells, antipodals, on another side, right? And a central cell or a polar cell with two nucleus. Clear हो रहा है? ठीक है बेटा, this full descriptive life cycle is there in your books. I guess NCERT में शायद कोई एक आधा step नहीं होगा, but this is the whole complete description of a life cycle, right? And for this, you can even get the small questions from this life cycle. बीच बीच में से आपको छोटे छोटे questions बन के भी आ सकते हैं, है ना. Microspore mother cell undergoes which division?
और व्हाट इज द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड आफ्टर द माइक्रोस्पोर मदर सेल, ऐसा क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड आने हैं आपको. इनकम्प्लीट ये चार्ट बना के आपको फिल अप द गैप्स भी आ सकते हैं इन अ करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है, कुछ भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है रिलेटेड विद दिस, राइट. सो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ द ओव्यूल, सॉरी, सो नाउ दिस इज द ओव्यूल एम्ब्रियो सैक और अ फीमेल गैमेटोफाइट व्हिच हैज बीन मेड, एंड नाउ दिस इज ऑल्सो सराउंडेड बाय द अबव जो हमने स्ट्रक्चर्स बनाए थे ये वाले इंटेग्यूमेंट्स वगैरह भी हैं, वो भी डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं, और इंटेग्यूमेंट्स यानी कवरिंग्स इसकी अराउंड इट इस तरह से आपने वापस बना देनी है जो हमने फर्स्ट स्ट्रक्चर में बनाई थी, सेम टू सेम वैसा. दिस इज फाइनली एन एम्ब्रियो सैक और अ फीमेल गैमेटोफाइट हैविंग द 7 सेल्स 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर आउट ऑफ विच वन इज द एग सेल. सो दिस वन इज द एग सेल, this one is egg cell, rest labeling यहाँ पे करनी है तो कर सकते हैं, लेकिन otherwise you should know ये egg cell की formation हुई है, egg cell बना है, female gamete बना है, जैसे यहाँ male gametes बने ऐसे ही अब ये female gamete तैयार हो गए, ठीक है. अब बारी आती है आगे के, next क्या होना चाहिए, pollination, plants में pollination होगा, anthers का pollen grain जो है वो disperse होगा stigma के ऊपर and hence fertilization tube से ये फर्टिलाइजेशन देगा. सो फर्स्ट इज पॉलिनेशन, व्हेन द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इट इज ईदर एट द 3 सेल्ड 3 न्यूक्लिएटेड स्टेज और एट अ 2 न्यूक्लिएटेड स्टेज, जब मेल गैमेट नहीं बना, ठीक है, 2 या 3 सेल स्टेज पे या 2 या 3 न्यूक्लियस की स्टेज पे ये डिस्पर्स हो जाता है, स्टिग्मा पे चला जाता है. अगर ये 2 सेल स्टेज पे जाएगा तो थर्ड स्टेज जो है, मतलब तीसरा जो न्यूक्लियस डिवाइड करके मेल गैमेट बनाने की स्टेज है, ये स्टिग्मा पे जाके कंप्लीट करेगा, ठीक है, स्टिग्मा पे तब तक के लिए पड़ा रहेगा डेवलपमेंट जब तक पूरा नहीं होता. फिर उसके बाद डेवलपमेंट पूरा हो जाता है तो ये वापस अपना पॉलन ट्यूब बनाएगा एंड इट विल अंडरगो द फर्टिलाइजेशन, ठीक है. सो पॉलन ट्यूब जो जर्मिनेट होती है वो होती है यहाँ से, यानी जर्म पोर से. जर्म पोर क्या है, दैट इज द पार्ट ऑफ द पॉलन ग्रेन्स वेयर देयर इज द फ्यूजन ऑफ द एग्जाइन एंड इंटाइन. एग्जाइन इंटाइन आउटर इनर लेयर्स जो है दोनों फ्यूज कर जाती है, ठीक है. पॉलन ग्रेन की आउटर लेयर को हम बोलते हैं एग्जाइन, दिस इज एग्जाइन, एंड इनर लेयर इज कॉल्ड एज इन टाइम, INTINE, इन टाइम, एग्जाइन एंड इन टाइम, क्लियर. नाउ कंटिन्यू द मेल पार्ट. अब यहाँ पे हमने ये वाले पोर्शन में कंटिन्यूएशन शो करना है. अब यहाँ पे क्या है, दिस इज द पॉलन ग्रेन हैज टू जर्मिनेट, it has to form its pollen tube. So when the germination takes place, this is let's say the pollen grain. ये pollen grain है, ठीक है. Pollen grain में जहां germ pore था वहां से intine जो है वो extend हो जाएगी. Intine extend हो गई, ठीक है. Exine पीछे रह गई, exine यहाँ पे ही है इसके साथ, pollen grain के साथ, and the nuclei. अब nucleus में कौन सबसे आगे है, दैट इज द बिगर न्यूक्लियस, ये वाला वेजिटेटिव जो पहले था, अब ये ट्यूब को आगे डायरेक्ट करेगा टुवर्ड्स द ओव्यूल. सो नाउ दिस न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज अ ट्यूब न्यूक्लियस, ठीक है. दिस इज द ट्यूब न्यूक्लियस विच इज एट द फ्रंट, सबसे आगे, इन अ पॉलन ट्यूब. दिस इज द पॉलन ट्यूब, गॉट इट, फॉलोड बाई द 2 male gametes. अब दो छोटे जो मेल गेमीट्स यहाँ पे हैं, कहाँ गया, ये रहा 2 male gametes छोटे वाले, ये फॉलोड आफ्टर, ठीक है जी, गॉट इट. दिस फर्टिलाइजेशन ट्यूब विल नाउ बी गोइंग टू फ्यूज विद दिस. अब आगे फर्दर पॉलन ट्यूब ने फ्यूजन दे देना है, फ्यूजन दिया तो ओव्यूल के साथ फ्यूज करेगा. तो पॉलन ट्यूब में सिर्फ यहाँ पे इन्वेजिनेशन शो कर रही हूँ, I am just making the pollen tube out here, ठीक है. Pollen tube को वहां से हम यहाँ पे नहीं डाल रहे हैं, यहाँ पे नहीं हम show कर रहे हैं. You just show a section of the pollen tube over the head of the this ovule, embryo sac. Okay, clear हुआ, pollen tube बना, clear हुआ, ठीक है. उसके बाद tube nucleus सबसे आगे, male gametes उससे पीछे पीछे, right? Tube nucleus का काम क्या है, that is to give the direction towards the ovule through the style. Style में से होते हुए
जब ये स्टाइल से होते हुए निकलेगा, ट्यूब न्यूक्लियस इज द वन विच इज गोइंग टू डायरेक्ट इट, क्लियर? ठीक है जी। अब यहां पे आके जैसे ही ये ट्यूब न्यूक्लियस जैसे ही ये पोलन ट्यूब जो है ये इन्वेड कर जाती है माइक्रोपाइल को, दैट इज एन ओपन एंड माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। जैसे ही ये इन्वेड कर जाती है ट्यूब न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाता है, रह गए दो मेल गैमेट्स, ठीक है। पोलन ट्यूब के अंदर क्या है, मेल गैमेट्स। फर्दर इज द फर्टिलाइजेशन, दैट इज हेयर इन द प्लांट्स वी कॉल इट एज अ डबल फर्टिलाइजेशन। फर्दर कहां यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज ओनली द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। सो द टू मेल गैमेट्स में एक एग सेल के पास चला गया, दिस इज द एग सेल्स न्यूक्लियस, दिस इज द मेल गैमेट, लेट्स से, ठीक है। दूसरा जो मेल गैमेट है वो कहाँ चला गया, दो पोलर सेल, ऑलरेडी पोलर न्यूक्लियाई पड़े थे, एक पोलर सेल के अंदर दो पोलर न्यूक्लियाई थे, और तीसरा यहाँ पे मेल गैमेट आ गया, ठीक है। बाकी जो पार्ट्स हैं वो सारे डीजनरेट हो जाएंगे, आप इसमें डॉटेड शो कर सकते हैं, दैट विच विल अंडरगो द डीजनरेशन आफ्टर व्हेन द फ्यूजन हैज टेकन प्लेस, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन हैज टेकन प्लेस। यहाँ पे दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन, दिस फिनोमिना आउट हियर, दिस इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। हाँ जी, क्लियर? Are you getting beta? So this is double fertilization. Got it? बाकी dotted show कर दो, degeneration हो रहा है क्योंकि बाकी सारे degenerate कर जाएंगे। What will be left within the embryo sac is only the this fused egg cell, ठीक है। यहां जब ये fusion दे देगा, अब एक common circle इस पे बना दिया मैंने दोनों nucleus पे, क्योंकि ये fuse कर गए, ठीक है। और यहाँ पे ये तीनों फ्यूज कर गए, तो यहाँ पे भी इनके तीनों के ऊपर एक कॉमन ट्रायंगल बना दो, राइट? जब ये फ्यूज कर गए तो दिस वन इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज नाउ गोइंग टू बी कॉल्ड एज जाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एग सेल वॉज हैप्लॉयड, मेल गैमेट्स वर हैप्लॉयड, हैप्लॉयड हैप्लॉयड थे ना। अब यहाँ पे ये जाइगोट क्या बन गया, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, this is a diploid structure, got it? This cell that is going to form a primary endosperm nucleus, that is PEN, this is a triploid structure, 3N structure, तीनों NNN fuse हो गए, पहले दो polar nuclei के NN थे, है ना, N plus N, और यहां पे एक और आ गया मेल गैमेट, थर्ड एन, तो दिस इज टोटल 3N स्ट्रक्चर, इट इज अ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ऑफ 3N स्ट्रक्चर, गॉट इट? आफ्टर व्हेन फर्टिलाइजेशन हैज टेकन प्लेस इन द एंजियोस्पर्म्स वी स्पेशली कॉल दिस एज अ डबल फर्टिलाइजेशन, नॉट सिंपली द फर्टिलाइजेशन, ओके? सो दिस इज डबल फर्टिलाइजेशन हैज टेकन प्लेस, जायगोट इज देयर, द रेस्ट सेल्स दे ऑल गेट्स डीजनरेटेड, and now taking the nourishment from the endosperm, this is only one nucleus, ये सिर्फ एक nucleus है, primary endosperm nucleus, ये सिर्फ एक nucleus है, zygote अभी dormant हो जाएगा, dormant मतलब resting phase पे चला जाएगा, कुछ activity नहीं करेगा, endosperm ने अपनी multiple divisions देनी और ये सारा gap fill कर देना, कितना सारा endosperm बन गया, ठीक है, फिर zygote अपनी nourishment लेनी शुरू करेगा, and ultimately this will result into the formation of an embryo, ठीक है। सो नेक्स्ट विल बी द फॉर्मेशन ऑफ एन एम्ब्रियो, इन योर 12th यू विल स्टडी हाउ दिस एम्ब्रियो इज गोइंग टू टेक प्लेस, द फॉर्मेशन ऑफ दिस एम्ब्रियो इज गोइंग टू टेक प्लेस, दिस इज अ स्ट्रक्चर जो आपको 12th में पढ़ाएंगे, दैट ऑफ अ डाइकोटिलेडनी, दिस इज डाइकॉट का, दो कॉटिलेडन्स वाले प्लांट का स्ट्रक्चर है, दिस इज बर्सा कैप्सा पेस्टोरिस, उसकी ये एग्जाम्पल लेके आपको प्लस टू में ये सिखाते हैं, उसी का डायग्राम बनवाते हैं, तो इसीलिए यही वाला बना लिया, दिस इज शोइंग द एम्ब्रियो, ठीक है, दिस इज ऑल द सेलुलर पार्ट, ये इस तरह से सेलुलर पार्ट है, दिस इज व्हाट एन एम्ब्रियो, नाउ व्हाट इज द प्लॉयडी ऑफ एन एम्ब्रियो, हाँ जी, व्हाट इज द प्लॉयडी ऑफ एन एम्ब्रियो, इट विल बी 2N, क्योंकि जायगोट से बना है, 2N है, एम्ब्रियो क्या होगा, 2N होगा,
ठीक है, सो एम्ब्रियो इज ऑल्सो 2N, बन गया 2N, क्लियर हुआ? ठीक है, ये 2N स्ट्रक्चर है, तो आगे फर्दर डेवलपमेंट देगा एंड फाइनली इट विल बी गोइंग टू फॉर्म अ होल न्यू स्पोरोफाइट. सो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो, क्लियर? यहां आप डेवलपमेंट ऑफ जायगोट लिख सकते हैं, जायगोट से आगे फर्दर जायगोट अंडरगोज क्लीवेजेस, यहाँ क्लीवेजेस लिख दो, क्लीवेजेस मीन्स डिविजन्स, ठीक है? सो जायगोट अंडरगो क्लीवेजेस फॉर्मिंग द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो गेट्स डेवलप्ड फॉर्मिंग अ न्यू स्पोरोफाइट. नाउ इन दिस, यहां हमने डायग्रामेटिकली आपको ये स्टेजेस थोड़ी ज्यादा शो करी हैं जो हैप्लॉइड स्टेजेस हैं, ठीक है, वो ज्यादा शो करी हैं, लेकिन अगर आप इनकी डेवलपमेंटल की स्टेजेस बनाएंगे तो वो बहुत बड़ा बन जाता है लाइफ साइकिल, इसलिए इनकी डेवलपमेंटल स्टेजेस आपको नहीं बनानी फिलहाल, ठीक है? जैसे मैंने बोला एंडोस्पर्म डेवलप होता है, फिर उसके बाद एम्ब्रियो डेवलप होता है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट बहुत बड़ी है, ठीक है, मल्टीपल डिविजन्स आती हैं, फिर जाके वो अपना पूरा नवा स्पोरोफाइट बनाएगा, सीड बनाएगा, सीड सो होगा, डॉर्मेंसी आएगी, फिर नवा पूरा प्लांट बनेगा. तो अल्टीमेटली अगर हम अब ये सारा लाइफ साइकिल ऑफ एन एंजियोस्पर्म देखें तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि जो हैप्लॉइड फेज है दैट इज वेरी स्मॉल, only having the formation of the male gametes and the female gametes, that's it. Rest other is whole occupied by the diploid phase, hai na? Agar aap isko divide kare to ye raha hamara meiosis, ye raha meiosis. Abhi yahan pe agar aap iski division kare, don't have the stick, yahan pe aap iski ek rough line is tarah se bana do jisme aapne division dena hai haploid phases aur डिप्लॉयड फेजेस का. अब ये वाले फेज आ गए हमारे, स्ट्रक्चर को नहीं काट देना बीच में से, ठीक है, सिर्फ फेज फेज, दैट्स इट, ये आ गया, आ गया. फ्रॉम दिस लाइन द लोअर पोर्शन दैट इज ऑल गेमिटोफाइट, दिस इज ऑल गेमिटोफाइट, दिस इज होल गेमिटोफाइट. That is a haploid phase, है ना? And this hole is what? A sporophyte. This is a sporophytic generation. वैसे तो यहाँ पे भी आपको लिखना था कि gametophytic generation, पर वहां पूरा नहीं आया इसलिए मैंने लिख दिया इतना. So this is the sporophytic generation, which is a 2N structure. तो ये half of the life cycle that is occupying what? A sporophytic generation. The lower half is occupying what? Gametophytic generation. But this is not half and half. ये concept मैं आपको समझाना चाहती हूँ. जब हमने line बना के differentiate किया तो हमारे diagram में half half आ रहा, ठीक है, ये half नहीं है, ये बहुत छोटा सा phase है जिसमें हमने सिर्फ gametes बनाए हैं, है ना? कितना सा phase है? सिर्फ ये को यहाँ पे तो ये 2N the pollen tetrad बना और pollen grain बना, that's it. वो तो हमने germination and everything बीच में include कर दिया, ठीक है? ऐसे ही यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ, मेगास्पोर टेट्राड बना और मेगास्पोर बन गया, खत्म, है ना? बस ये इतना सा है गेमिटोफिटिक फेज, सिर्फ इतना सा है, ठीक है? बट हम यहां तक शो कर रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे भी हैप्लॉइड मेंशन किया हुआ है. सो अगर आप इसको बनाएंगे और प्लस इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म में स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, सो द स्पोरोफिटिक फेज एंड अ जेनरेशन, दिस इज सॉरी जेनरेशन, the sporophytic phase and the generation sporophytic generation of this that is quite large, theek hai, that is quite expanding as compared to the gametophytic phase, theek hai. Such a type of the life cycle in an angiosperm, this type of a life cycle of an angiosperm is called as a diplontic life cycle. What do we call it as? Diplontic life cycle. डिप्लोंटिक क्यों? डिप्लोंटिक टर्म कब मिलती है? जब हम इसमें बात करते हैं. डिप्लोंटिक का मतलब क्या होता है? दैट इज शोइंग द मेन स्पोरोफिटिक जनरेशन. मैक्सिमम इन अ लाइफ साइकिल इज दैट ऑफ अ स्पोरोफिटिक जनरेशन, ठीक है? मैक्सिमम इज अ स्पोरोफिटिक जनरेशन. लेस इज द गेमिटोफिटिक जनरेशन. देन द फेज कॉल्ड इज
diplontic. Okay, this is called as a diplontic life cycle. This diplontic life cycle is seen in the angiosperms as well as in the gymnosperm. Gymnosperm or किसी भी group of the kingdom plantae की आपको pictorial representation नहीं है. आप example लिख दीजिए यहाँ पे. This is gymnosperms and angiosperms that which exhibits the diplontic life cycle. Okay, the diplontic life cycle is exhibited by gymnosperms and the angiosperms. Anybody having any doubt, any question? Beta, your time is over. Just one last minute is left. Anybody having any question?